अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय कुकिंग हब यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड और आलू के बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स। इसके लिए मैंने 3 आलू लिए थे, मीडियम साइज़ के आलू थे, इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। और 2 टीस्पून मैंने लिया है जी शिमला मिर्च, जो मैंने बारीक काट लिया वो इसमें ऐड कर दिया। और 3 मैंने लिए थे प्याज, उन्हें मैंने बारीक काट लिया था, आधे से ज़्यादा मैंने इसमें डाल दिया, थोड़े से तकरीबन 1 टीस्पून रख लिया, ठीक है। 2 लिए मैंने हरी मिर्च, उन्हें भी मैंने बारीक काट लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और हरा धनिया लिया है मैंने जी 2 टीस्पून, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर जाएंगे मसाले, इनमें मैं लूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के मैं लूँगी नमक, और लूँगी थोड़ी सी मतलब हाफ चम्मच लूँगी मैं इसके अंदर हल्दी डाल दूँगी, ठीक है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाली ज़ीरा धनिया पाउडर, और कलौंजी इसके अंदर डाल दूँगी 1 चुटकी, ठीक है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आलू भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ इस पर ब्रेड पर सब काम आने वाली है, मतलब ये क्रिस्पी भी बनेगी, मज़े की भी बनेगी, लाइट भी होगी और ना ही ज़्यादा ऑयली होगी, ठीक है। इसलिए आप एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा। ये देखिए मैंने सारे मैश कर लिए हैं। अब मैं लूँगी ब्रेड के स्लाइस, एक पे मैं थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट लगा रही हूँ, तकरीबन 1-1 ड्रॉप लगाऊंगी, ठीक है। मतलब अगर 6 सैंडविच बन रहे हैं ना डबल डबल ब्रेड के, तो एक सिंगल स्लाइस पे मस्टर्ड पेस्ट लगेगा 1 ड्रॉप, और बाकी पे लगेगा 1/2 टीस्पून तकरीबन केचप, ठीक है। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, छोड़ें, कुछ भी ना लगाएं, ठीक है। हमने बहुत अच्छा मटेरियल बनाया है, वही लगाएंगे। और ये देखिए केचप मैंने लगा लिया है, आधी ब्रेड पे मैंने केचप लगा लिया और आधे जो स्लाइस है उस पर मैंने मस्टर्ड पेस्ट लगा लिया है। अब जी इसमें फिलिंग की बारी आती है, मैं ये लूँगी सारा मिक्सचर और इस पर हम अच्छे से लगा लेंगे, ठीक है। हमने इस तरह से इसे आराम आराम से प्रेस करना है, इतना कि ये ब्रेड टूटे भी ना और ये अच्छे से इसके साथ चिपक जाए, ठीक है। प्रेस करना है हमने, ये जो सैंडविच है ये बहुत मज़े के बनने वाले हैं, तो प्लीज़ ये फॉलो भी कीजिएगा और लाजमी ट्राई भी कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। तो जी इसके ऊपर हम दूसरा स्लाइस रख देते हैं जो कि है मस्टर्ड पेस्ट, और अब इसे हम कट कर लेंगे अच्छे से। पहले आपने प्रेस कर लेना है, ठीक है, ताकि जब हम फ्राई करें तो ये जो मिक्सर है बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और बहुत ध्यान से हमने इसे कट करना है सैंडविच की फॉर्म में, ताकि ये जो ये बिल्कुल इसकी शेप वगैरह ख़राब ना हो। इस तरह से मैं सारे जो सैंडविच है ये बना के रख लूँगी। अब हमारी ये रेसिपी ख़त्म नहीं हुई, अभी थोड़ा सा काम और भी है, वो है जी मैं एक बाउल लूँगी, उसमें तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी बेसन का, आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, और जो प्याज बच गया था ना चॉप किया हुआ बारीक कटा हुआ वो, और 2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया जी हरा धनिया, और इन सब के अलावा 1 टीस्पून लूँगी मैं भरा हुआ सूखा धनिया, ठीक है। खुश्क धनिया हम इसके अंदर डाल देंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे, 1/4 कप तकरीबन इसके अंदर पानी चला जाएगा टोटल, ठीक है, एज अ होल। और थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे, ये हमने जो बनाना है ना ये जो मिक्सचर है ये बिल्कुल हमने पतला सा बनाना है, ठीक है, इसकी थिक लेयर बिल्कुल नहीं हमें चाहिए। इससे ये होगा कि जो ऑयल है ना वो ब्रेड के अंदर नहीं जाएगा जब इसे डीप फ्राई करेंगे ना। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, अब मैं इस तरह से इसे लगाऊंगी, साथ साथ आप लगाते जाना और ऑयल फ्राई करते जाना है, ठीक है। हमने लगा के पहले से रखना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखें जो ऑयल था वो अच्छे से मैंने पहले गर्म कर लिया था, और अब हम इस तरह से सारे फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। बहुत मज़े के बने थे ये, मैंने आज इफ्तारी में बनाए थे, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट क्लास में कीजिएगा। इस तरह से हम इसे पलटते जाएंगे, और ये देखिए तैयार हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे और इस तरह से मैं सारे कर लूँगी, इन्हें हम डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने से पहले हमने बिल्कुल भी ऐसे ऐसे सर्व नहीं करना, हम इन्हें इस तरह से सर्व नहीं करेंगे, मैं आपको बताती हूँ हम इसे किस तरह से सर्व करेंगे, तो आप इन्हें एक बार देख लें कितने मज़े के बने हैं ये, बहुत बहुत अच्छे बने थे ये। जो हमने कलौंजी डाली ना इसके मटेरियल में वो उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो जी हमने सारे इस तरह से फ्राई कर लेने हैं और फ्लेम अपना ऑफ कर देना है। अब मैं आपको बताती हूँ
आप इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं या आप इसे मायनीज वगैरह किसी भी चटनी वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे किसी भी टाइम एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं। हम इन्हें कट लगा लेंगे इस तरह से और हम इस तरह से इन्हें सर्व करेंगे, ठीक है। कट लगा कर रख लेंगे सारे, इन सबको हम इसी तरह से रख लेंगे। तो जी मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये जो सब सैंडविच हैं ये सारे क्रिस्पी हैं, बहुत टेस्टी हैं, जूसी भी हैं और उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।